इतना प्यार, इतनी दुआएं और यहाँ तक कि सलमान खान का रोना, इतनी बड़ी बात तो शायद ही पहली बार ही हुई है बिग बॉस के किसी भी सदस्य के लिए। मैं बात कर रही हूँ जैस्मिन भसीन की, और जैस्मिन भसीन घर से बेघर होते ही उन्होंने एक लंबी सी पोस्ट लिखी है अपने फैंस को शुक्रिया अदा करते हुए, और उनसे की है एक छोटी सी गुंजाइश। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जैस्मिन भसीन जो है उनका एविक्शन एक बड़ी ही शॉकिंग सी चीज़ थी हम सभी के लिए, क्योंकि हमने कभी ये नहीं सोचा था कि आप जैस्मिन भसीन इतने पास पहुँच के वापस आ जाएंगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि जैस्मिन भसीन जैसे ही एविक्ट हो गई है घर से, उन्होंने एक लंबा सा पोस्ट लिखा है बाहर आते ही, और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि आई एम अ लॉट थैंक यू। मतलब उन्होंने इतना बड़ा थैंक यू लिखा है अपने फैंस के लिए, और उसी के साथ साथ फैंस का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि बस आप ही के बदौलत मेरे अच्छे दिन भी अच्छे गए और बुरे दिन भी अच्छे गए। और उन्होंने ये भी कहा कि आपने जिस प्रकार से 2 मिलियन के ऊपर ट्वीट्स किए कि ब्रिंग जैस्मिन भसीन बैक, और इसको ट्विटर पर ट्रेंड कराया, उसके लिए मैं शॉक्ड तो हुई पर उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। दोस्तों उसके बाद उन्होंने एक गुंजाइश की है, गुजारिश की है, और वो गुजारिश बस इतनी सी है उनके फैंस से कि यार अब मैं तो बाहर आ गई हूँ, पर एली गोनी अब भी घर के अंदर है, और एली गोनी ही वो ट्रॉफी उठा करके घर ले आए, और ये हम सभी को करके दिखाना है सिर्फ और सिर्फ जैस्ली के लिए। जी दोस्तों, और उन्होंने अपना ढेर सारा प्यार दिया है अपने फैंस को। दोस्तों आपको क्या कहना है ये जो गुजारिश है जैस्मिन भसीन की उसके बारे में, और क्या आपको लगता है कि अब जैस्मिन तो आ गई है तो भाई जैस्मिन के फैंस एली को सपोर्ट करके क्या एली जीतेंगे और उठा कर लेके आएंगे जैस्मिन के लिए वो बिग बॉस सीजन 14 की ट्रॉफी? क्या कुछ है आपकी राय जरूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा।